रहमतुल्लाहि वबरकातुह। फोटोपिया के अंदर जो हम सुनहरी कलर नाम लिखते हैं, उसमें फोटोपिया के अंदर कलर ऐड करने में बाज़ साथियों को मुश्किल पेश आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके तरीके पर भी एक वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर साथ के खाने में फोटोपिया लिखना है। देखें, ये लिखा जा चुका है फोटोपिया। और फिर जैसे आपको कलर करने की तफसील बताई थी, बिल्कुल उसी तरह करना है। सबसे पहले हम इस स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। तो इसी तरह आपने ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल की गैलरी खुल जाएगी। तो आपने एक PNG पिक्चर ले लेनी है, जिसको कलर करने का आप इरादा रखते हैं। आई कैन हो PNG, यानी विदाउट बैकग्राउंड हो। अगर बैकग्राउंड के साथ होगी तो फिर आपको मुश्किल पेश आ सकती है। मैं गैलरी से क्लास कर लेता हूँ। ये आपने याद रखना है कि पिक्चर जो आपने सेलेक्ट करनी है उसका बैकग्राउंड ना हो। अगर बैकग्राउंड हुआ तो फिर आपको कलर करने में मुश्किल पेश आ सकती है। देखें, ये हमारी तस्वीर सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमने शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ये लेयर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद उसी तरह जैसे ये लेयर स्टाइल है, इस पर क्लिक करना है। फिर उसी तरह ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है, इन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो एक निशान है, इसी तरह का ये वाला निशान, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये है लोड ASL। किसी मोबाइल में लोड ASL आता है और कहीं आता है ओपन ASL। तो बहरहाल जो भी हो, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे हमारी गैलरी खुल चुकी है। देखें, ये फाइल्स हैं, इन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल की जो मेन स्टोरेज है उसमें चले जाएं। देखें, ये मैं अपने मोबाइल की मेन स्टोरेज में आ गया हूँ। ऊपर आपको सर्च का खाना नज़र आ रहा होगा, इस जगह पर यहाँ आप क्लिक कर लें ASL। ये जो फाइलें आपको दी थी, ये ASL वाली थी, ये ऐड आ गया है। देखें, ये आ चुका है। 5 मुख्तलिफ स्टाइल, अकबर मजमुआ स्टाइल, लात मुकदमा। तो इसको आप सेलेक्ट कर लें और इसको भी साथ कर लें। फिर नीचे जहाँ ये सेलेक्ट का निशान है, यहाँ क्लिक करें। ओके कर दें। अब फिर इसी जगह पर आप क्लिक करें। क्लिक हमने कर दिया है, चूँकि ये जो वेबसाइट है डिज़ाइनिंग वाली, ये दरअसल कंप्यूटर के लिए बनाई गई है, तो मोबाइल के अंदर थोड़ी सी परेशानी होती है। देखिए, ऊपर इंटरनेट की जो रफ्तार है वो बिल्कुल स्लो है। देखें, ये हमारे कलर आ चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, ठीक है ना। इनमें से ये वाला कलर या ये वाला या इन्हीं में से कोई जो आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
मसलन मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, देखें ये बहुत से कलर इसमें ऐड हो चुके हैं। देखें ये अब सेलेक्ट हो चुका है। देर तो बहरहाल इस पर लगती ही है। अब तो किसी जगह पर क्लिक भी नहीं हो रहा, ऊपर रफ्तार चले आप, इधर रफ्तार बिल्कुल 0-0 पर है। सुबह सुबह वक्त है तो क्यों स्लो है, हालांकि इस वक्त तो यूज़र भी बहुत कम होते हैं, तो जैसे हम यूज़ कर रहे हैं हो सकता है कोई और भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुश्किल है। हाँ देखें ये हो चुका है, ठीक है ना, कलर इस तरह ऐड करते हैं। आगे फिर वही तरीका है जो आपको पहले बताया जा चुका है। तो अब हम यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ऊपर करके ये जो आपको नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट एस, इसका ये वाला जो एक एरो सा है इस पर क्लिक करेंगे और फिर ओपन PNG या JPG, तो हम JPG में कर लेते हैं। अब ये जो क्वालिटी वाला बटन है ये 70 पर है, हम इसको 100 कर देते हैं। नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखें हमारी पिक्चर सेव हो चुकी है। अब हम मोबाइल की गैलरी के अंदर जाकर इसको देखते हैं। इंटरनेट हम बंद कर लेते हैं ताकि लोड की वजह से जो मोबाइल हैंग हो रहा है ये मसला ना है। फाइल मैनेजर ओपन करते हैं मोबाइल की पिक्चर्स, इसमें देखें ये वाला फोल्डर होगा डाउनलोड का, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। देखें ये हमारी तस्वीर बन चुकी है, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। तो ये तरीका है कलर ऐड करने का और बनाने का।